हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र सिंह राठौड़ एन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स विथ एन अकेडमी। यहां मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आई एम एन इंजीनियर। आई हैव अपीयर्ड फॉर आरएसमेंस इन 2018। आई हैव टू ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एज ए जीएस फैकल्टी फॉर सिविल सर्विसेज। क्रैक आरपीएससी विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अभी 8% टाइम पर अन अकेडमी है वो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आपको जहाँ पे वेरियस कैटेगरीज में अलग अलग एजुकेटर्स हैं बहुत सारे, वो आपको प्रिपरेशन कराएंगे और जिनकी मदद से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। हाउ टू रजिस्टर फॉर अन अकेडमी। तो अन अकेडमी पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपल सा मेथड है, आपको कुछ भारी भरकम काम नहीं करना। आपको प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पे जाके आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप है उसको सर्च करोगे ना, फिर सर्च करने के बाद में ये ऐप आ जाएगी। फिर आप जब उसको डाउनलोड करोगे फिर आपको उसको इंस्टॉल करना है ऐप को, किसे, अन अकेडमी लर्निंग ऐप को। ठीक, डाउनलोड करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा, पूरी जैसे फिलअप कर दोगे ना उसको पूरा, आपकी डिटेल्स वगैरह, ईमेल आईडी, नेम वगैरह, तो उस हिसाब से आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप है वो ओपन होगी। यहाँ आपको अपना जो गोल है वो सेलेक्ट करना है। आपका गोल क्या है, यूपीएससी है, आरपीएससी है, या फिर एसएससी है, या फिर अदर जो स्टेट्स के एग्जाम और है ना, स्टेट पीएससी उनके बारे में, तो जो भी आपका गोल है वो आपको गोल यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। ठीक, तो सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद में जैसे आपने गोल सेलेक्ट किया आरपीएससी, तो आपके सामने आ जाएगा आरपीएससी सब्सक्रिप्शन का फी स्ट्रक्चर। तो ये जो आरपीएससी सब्सक्रिप्शन है ये राजस्थान ओरिएंटेड जितनी भी एग्जाम्स है ना, आरएस है, पटवार है, कांस्टेबल है, रीट है, एससीएफ है, कॉलेज लेक्चरर है, तो उन सब एग्जाम्स का ये सब्सक्रिप्शन है। वो एक ही सब्सक्रिप्शन में आप इतने सारे एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हो। तो अन अकेडमी है वो आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन है वो प्रोवाइड कराता है। तो मेरा पर्सनली सजेशन आपको ये है सॉरी कि आप 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो लें। तो इसकी अन अकेडमी पे फी है 7,000 रुपये। वही आप अगर मेरा प्रोमो कोड SPJSR यूज करते हो तो आपको इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फी हो जाएगी 6,300 रुपये। इसी तरह अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी फी हो है 8,400 और मेरा प्रोमो कोड SPJSR यूज करने पे 10% डिस्काउंट के साथ आपकी फी हो जाएगी 7,560 रुपये। और मुझे लगता है जैसे कोरोना के टाइम पे अभी ऑफलाइन क्लासेस बंद है, ठीक, तो मुझे नहीं लगता कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कोरोना से पहले भी जैसे ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी उनमें भी आपको 7,500 रुपये में आरपीएससी से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन करा रही होगी। आरएएस मुझे नहीं लगता, आरएएस की तैयारी करने जाओगे तो आराम से आपकी 50,000 रुपये फी है प्री की, और वही चीज़ आपको अन अकेडमी है वो 7,560 रुपये में 2 साल के लिए तैयारी करवा रही है। तो सारे बच्चे अन अकेडमी से जुड़ जाओ भाई, और कोरोना से बचने के लिए यही एक उपाय है, जैसे मास्क है ना उसी तरह अन अकेडमी भी एक उपाय साबित हो रहा है। तो अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, उनमें आप एजुकेटर से चैट कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो और डाउट्स जो आपके हैं उनको क्लियर कर सकते हो, टॉपिक से रिलेटेड, ऐसे नहीं हर कुछ ही पूछे जा रहे हो, और जो आंसर पोल्स हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये सारी प्रोसीजर आप जब क्लास चल रही होती है उस टाइम पे कर सकते हो। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। जो आपका एजुकेटर है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कोर्स स्ट्रक्चर करेंगे, मीन्स अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो तो एजुकेटर आरएएस के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस बनाएगा, और अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हो तो एजुकेटर है वो आपके पटवार के हिसाब से सिलेबस तैयार करेगा। ठीक है, तो पटवार का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका कोर्स होगा वो। नेक्स्ट है लाइव टेस्ट और क्विजेज। तो लाइव टेस्ट और क्विजेज के माध्यम से आप अपनी जो तैयारी है ना उसको देख सकते हो कि आपकी तैयारी है सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही। अगर आपको उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है
तो आप ये चीज किससे पता चलेगी, टेस्ट के माध्यम से ही पता चलती है। बाकी तो आप कितना ही पढ़ते जाओ आपको लगेगा कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, पर आप जब टेस्ट देने बैठोगे ना तब आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है उसमें से आपको कितनी चीजें याद है और कितनी नहीं। तो ये टेस्ट और क्विजेज है ये एक बहुत ही शानदार मतलब कुछ भी बोल सकते हो स्टेप है, ठीक। और नेक्स्ट है अनलिमिटेड एक्सेस। अगर आप अनअकैडमी पे एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो अनअकैडमी आपको जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपने सब्सक्रिप्शन लिया है उतने टाइम तक रिकॉर्डेड कोर्सेज तो प्रोवाइड कराती है, साथ में जो उस समय लाइव क्लासेस चल रही है उनका भी एक्सेस है वो प्रोवाइड कराती है आपके कंफर्ट के हिसाब से। दिन हो रात हो सुबह हो दोपहर हो कभी भी जब भी आपकी मर्जी हो उस टाइम पर आप क्लासेस ले सकते हो, है ना। तो आज अपन बात करेंगे पटवारी, पटवारी का एग्जाम आ गया है ना। कब है पटवारी का एग्जाम? जनवरी में, और 6 पारियों में होगा ये, है ना। एक तो 10 जनवरी को, एक 17 जनवरी को और एक 24 जनवरी को, ये 6 पारियों में होगा। मतलब इस दिन 2 एग्जाम, इसी दिन भी 2 और इस दिन भी 2। तो मैंने अभी जैसे दिन तो बच रहे हैं, कितने दिन बच रहे हैं, 1.5 महीना बच रहा है पूरा कि दिसंबर, और ये सॉरी दिसंबर दिसंबर पूरा है, जनवरी में भी 10 दिन बच रहे हैं और इस महीने में भी 5-7 दिन बच रहे हैं। तो आपके पास दिन है 45 डेज, पर मैं इसमें से 45 डेज में से 15 डेज आपके इसलिए निकाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी शादियों का सीजन आने वाला है, तो कोई किसी के भाई की शादी, बहन की शादी, किसी रिश्तेदार की शादी, तो 15 दिन तो ऐसे निकल जाएंगे, है ना। और कभी अपना पढ़ने का मूड नहीं हुआ, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ, तो आप पूरा सा 1 महीना लेके चलो कि आपको 1 महीने में पटवारी का जो सिलेबस है उसको कवर करना है, और अगर कर लिया आपने तो उसका रिविजन कैसे करना है। तो ये सारी चीजें अपन आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, हाउ टू कवर फॉर कवर पटवारी सिलेबस इन 1 मंथ, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कि जो पटवार की एग्जाम है वो कौन करवा रहा है, राजस्थान सबॉर्डिनेट मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो आपके ये पटवारी के एग्जाम करवा रहा है, ठीक। ये पटवारी की जो एग्जाम है ये 3 घंटे का पूरा पेपर होगा आपका, और 300 ही नंबर का पेपर होगा, मीन्स 3 घंटे और 300 नंबर। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो ये ध्यान रखना आप, 150 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा, है ना। तो अब इसमें सब्जेक्ट वाइज है, पूरे वेटेज दे रखा है, क्वेश्चंस आपको बता रखे हैं, आरएसएम भी है। इसने बहुत शानदार ये बात करी है कि आपको सब कुछ बता दिया है कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन बनेंगे और इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन। जैसे आपका जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इनसे कितने क्वेश्चन बने, वेटेज कितना है 25 नंबर का, और क्वेश्चन कितने आने के चांसेस हैं 38%, मतलब 38 क्वेश्चन, सॉरी प्रतिशत नहीं, 38 क्वेश्चन आएंगे और टोटल आपके 76 नंबर का ये पोर्शन है पूरा, ठीक। तो इस जो ये पोर्शन है ना इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, पूरा ध्यान देना भाई इस पोर्शन पे। क्यों? 76 नंबर, 300 में से 76, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो आपका है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान का पोर्शन है, ये इंडिया का पोर्शन था, ठीक। तो राजस्थान का पोर्शन है उसका वेटेज है 20%, क्वेश्चंस आएंगे 30 और आपके टोटल मार्क्स 60। तो 76 और 60 कितने होते हैं 136 नंबर, तो इसी पोर्शन में कवर हो गए आपके, है ना। फिर नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी का पोर्शन है वो छोटा सा है, इंग्लिश का तो छोटा सा है, 4 ही टॉपिक है पूरे, और हिंदी का थोड़ा सा बड़ा है। तो हिंदी वाले में थोड़ा बता दूंगा जब सिलेबस में बात करेंगे तो किस किस हिसाब से पढ़ना है। तो ये जनरल हिंदी और इंग्लिश का वेटेज है 15%, क्वेश्चन आएंगे आपके 22 और नंबर कितने 44। तो ये ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश वाला भी 44 नंबर है, अगर इसमें आप 35 नंबर भी ले आते हो ना तो आप सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो। नेक्स्ट है मेंटल एबिलिटी, मीन्स रीजनिंग और मैथ्स के बारे में बात कर रहा है ये, आपको फालतू की बातों में नहीं जाना, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग,
बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, इसका वेटेज है आपका 30%। ठीक, क्वेश्चंस आएंगे 45 और आपका 90 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। अगर आपकी रीजनिंग और मैथ सॉलिड है, ठीक है, और अगर आपने टारगेट कर रखा है कि मैंने 75 नंबर से ऊपर लेके आना है, अगर आपके 75 नंबर आ गए, ठीक है, मैथ और रीजनिंग में, तो आपका सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता। आपको मैथ और रीजनिंग में ही पूरा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मैंने जो क्वेश्चन करके आया हूँ वो सारे सही हैं, ठीक है ना। तो ये मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन है वो थोड़ा सही ढंग से कर लेना, इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देना चाहिए, बाकियों को कम दे देना, है ना। नेक्स्ट है बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर का 10% वेटेज है, 15 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर का ये पोर्शन है, ठीक। और अगर आप गलत क्वेश्चन करके आते हो तो आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, मींस एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, और अगर एक क्वेश्चन आप गलत करके आते हो तो 2 नंबर का 1/3 कितना होता है 0.66, तो आपका 0.66 है वो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस से रिलेटेड, कि जैसे ये सिलेबस है अपना किसका, इंडियन वाला पोर्शन का, जैसे इंडिया का पोर्शन है इसका सिलेबस है, ठीक। इसमें आपके शामिल कर दी जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। जैसे अपने पास बचे हैं 30 दिन, ठीक, और अपने पास पोर्शन है 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। इन सबको आपको 5 पार्ट में डिवाइड कर लो, जो 30 दिन बचे ना आपको, कि इनको 5 पार्ट में, जैसे कंप्यूटर है वो 1 दिन में हो जाएगा आपका पूरा कवर, वो ये सारी चीज़ें अपन लास्ट में बात करेंगे, है ना। पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, और मुझे नहीं लगता अगर जो कोई भी बंदा है पटवार की एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो मुझे नहीं लगता उसने कुछ पढ़ा नहीं होगा। उसने पढ़ा होगा पर उसका सिलेबस में कुछ पॉइंट, कुछ टॉपिक्स हैं वो कवर नहीं हुए होंगे, तो उन पे आप थोड़ा फोकस करना, बाकी रिवीजन पे फोकस करना आपको, है ना। तो ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये वो साइंस का पोर्शन है, ये साइंस वाला जो पार्ट है ना ये है। और अगर आप साइंस की जो 10th की RBSC की बुक है अगर वो पढ़ ली आपने तो मुझे नहीं लगता इसमें से कोई भी चीज़ है वो बाहर आएगी। जैसे लास्ट टाइम पे जो LDC का एग्जाम हुआ था ना उसमें पूरा आपका पेपर पड़ा था 10th की जो RBSC की बुक है साइंस वाली उसमें से, ठीक। तो ये पढ़ लेना आप ढंग से। ठीक है ना। तो विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व और दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल, ठीक है। तो ये आपका विज्ञान का पोर्शन हो गया। ये हिस्ट्री का पोर्शन है, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। तो आपको कुछ नहीं करना, जो प्राचीन और एंशियंट है ना, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में बस आपको इतनी पढ़नी है कुछ युद्धों के बारे में, या फिर कोई शिलालेख वगैरह है, या फिर और कुछ उनसे रिलेटेड, मतलब ऊपर ऊपर से आपको देखना है, जैसे धार्मिक आंदोलन वगैरह है, ठीक, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उनके बारे में थोड़ा देख लेना है, बाकी मौर्य शासन है, गुप्त वंश है, उनके बारे में लाइटली ऊपर ऊपर से पढ़ के जाना। प्राचीन भारत में अगर आएगा तो सबको क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, वो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे और सबको आएगा वो, आएगा तो, नहीं आएगा तो किसी को नहीं आएगा। मध्यकालीन वाला पोर्शन है, मध्यकालीन वाला पोर्शन आप बोलोगे तो मैं कवर करा दूंगा 2 दिन में, पर एक बार मध्यकालीन जो पोर्शन है उसमें आप दिल्ली सल्तनत के जो शासक हुए हैं ना उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, कि दिल्ली सल्तनत का, और राजस्थान से रिलेटेड कोई चीज़ हो, राजस्थान से संबंधित कोई अगर बात हो तो वो चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। जैसे दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी है, तो खिलजी डायनेस्टी का राजस्थान से संबंध, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण रहे। इससे ऐसे ही जो पहले गुलाम वंश था कुतुबद्दीन ऐबक, वो कैसे आया था, पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया गौरी ने, और गौरी ने अपने गुलाम कुतुबद्दीन ऐबक को राजस्थान, वो अजमेर का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। तो इस हिसाब से आपको लगे कि जो कोई भी डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत है, ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के किसी शासक का अगर राजस्थान से कोई संबंध रहा है तो उस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना। पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली और संवैधानिक विकास।
आर्टिकल्स आपको कितने याद रखने हैं? आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं 51A तक। क्यों? क्योंकि अगर आपसे कोई आर्टिकल पूछेगा तो फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार से पूछेगा या फिर DPSP नीति निर्देशक तत्व से पूछेगा, ठीक, या आपके कोई पूछ लिया तो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य से रिलेटेड ही आपको आर्टिकल्स पूछे जाएंगे। बाकी तो सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने की, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और निर्वाचन आयोग, थोड़ा निर्वाचन आयोग है ना उसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, और राज्यपाल है उसको भी थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, है ना। तो जो भारतीय संविधान है उसमें भी आपको ऊपर ऊपर से चीज़ें थोड़े ध्यान रखनी है और क्वेश्चंस आ जाएंगे। और बेसिकली आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, पंचायती राज है ना उससे संबंधित आर्टिकल भी आपको याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि जो पटवारी है वो पंचायती राज से संबंधित ही है, तो इसके बारे में भी आपसे आर्टिकल्स पूछ सकते हैं। तो भारतीय संविधान में थोड़ी चीज़ें गौर से देखना, है ना। नेक्स्ट है भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरण और पारिस्थितिकीय परिवर्तन और इनके प्रभाव। तो भूगोल के बारे में, भूगोल में आप, मुझे लगता है एक दिन में, दो दिन में आपका पूरा जो भूगोल का सिलेबस है ना वो हो जाएगा। आपको पहले तो पूरा भारत है ना उसके बारे में ध्यान होना चाहिए कि भाई हाँ किस हिसाब से कि ये भारत का कुछ इस तरह से मैप है, ठीक, कौन कौन सा राज्य है वो कहाँ कहाँ स्थित है, इसी तरह से है ना मैप भारत का। यहाँ कौन सा सागर है, यहाँ कौन सा सागर है, हिमालय के बारे में, नदियों के बारे में, ठीक है, थोड़ा नदियों के बारे में भी ध्यान रखना, इस तरफ से भी नदियाँ प्रवाहित होती है, यहाँ भी इधर भी, ये तो इन नदियों के बारे में ध्यान रखना। प्लस जो अरावली रेंज है उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना कि अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। विंध्यन प्लेट्यू है उसके बारे में, छोटा नागपुर इधर, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक। तो इन सब चीज़ों के बारे में, भारत की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, विशेषताओं का मतलब आप समझ गए होंगे कि किन किन चीज़ों की वजह से भारत है, उसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक। तो उन सब चीज़ों, और अभी चीन और पाकिस्तान के साथ थोड़ा विवाद चल रहा है, ठीक, तो मतलब इस एरिए के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन से जैसे समसामयिक विषय पे पूछ लिया आपसे करंट अफेयर से कि जो चीन है वो किस सेक्टर में दिक्कत कर रहा है, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम स्थल, या फिर जो चीन में लद्दाख झील है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो आप उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना, ठीक। तो भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय परिवर्तन, इसके लिए आप जैसे बायोलॉजी की 12वीं की बुक है RBSC की, उसमें पारिस्थितिक इकोलॉजी से रिलेटेड है टॉपिक, तो वो पढ़ लेना, और कहीं से आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं हैं, इनके लिए आप किसी एक बुक को फॉलो कर लो, चाहे मुम्बल हो या फिर क्रोनोलॉजी, अगर सब पढ़ रहे हो तो पिछले 6 महीने की क्रोनोलॉजी है ना उसमें पढ़ लेना, उसको 6 महीने की क्रोनोलॉजी है उसको पढ़ लेना, और 6 महीने से ज़्यादा अगर आता है तो वो भगवान भरोसे है। अगर यहाँ से जैसे मान लो कि कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आए या 10 क्वेश्चन आए, तो 50% ही आप कर पाओगे, क्योंकि 50% के बारे में किसी को पता ही नहीं होगा, तो ऐसी चीज़ें वो ढूंढ के लेके आते हैं, ठीक। तो ये जो इंडिया वाला पोर्शन है इसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करना, और जल्दी भी नहीं करो तो देख लो इसका वेटेज कितना है, 76 नंबर का है, ठीक है। तो ये 76 नंबर का पेपर है, मतलब पोर्शन है, तो इसको थोड़ा टाइम दे देना चाहिए। आपके पास 30 दिन है, 30 दिन में से आप 1 वीक है वो इस चीज़ को दे सकते हो, या फिर 5 दिन में आपको चीज़ कंप्लीट करनी है, क्योंकि आपके पास है 5 पोर्शन, ठीक है। तो आप 5 दिन में इस चीज़ों को कवर, टारगेट लेके चलोगे ना कि इतने दिन में मुझे इस पोर्शन को कवर करना है, तभी आपके पास रिवीजन का टाइम मिलेगा, वरना रिवीजन नहीं कर पाओगे, और रिवीजन नहीं हो पाएगा तो आपका जो डाउट्स है वो क्लियर नहीं हो पाएंगे, है ना। तो ये जो जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज हो एंड करंट अफेयर्स हो, तो ये चीज़ें आपको कवर करनी है, ठीक। ऐसे ही जो सिलेबस है अपना राजस्थान का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो ये राजस्थान का जो पोर्शन है इसका वेटेज कितना है आपका, 60 नंबर का, ठीक। तो ये है 60 नंबर का, क्वेश्चन आएंगे 30, यहाँ से मान लो कितने,
आठ या नौ क्वेश्चन, आठ क्वेश्चन मान लो, यहाँ से आठ क्वेश्चन मान लो और इससे 10 या 12 क्वेश्चन मान लो, सॉरी 12 क्वेश्चन मान लो, ठीक है। और पॉलिटी है यहाँ से मान लो आप कितने हैं, 10 क्वेश्चन, ठीक, या फिर नौ नौ क्वेश्चन यहाँ से मान लो, ठीक। तो ये चीज़ है, आपको पोर्शंस है वो डिवाइड करके रखना है कि ज्योग्राफी है मुझे कितने दिन में करनी है। अब जैसे राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं आपको ध्यान रखनी है, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था जैसे राज्यपाल है, राज्य विधानसभा है, उच्च न्यायालय है, राज्य लोक सेवा आयोग है, तो इन्होंने बता दिया कि आपको राजस्थान की पॉलिटी है उसमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। राज्यपाल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, राज्य लोक सेवा आयोग, RPSC, जिला प्रशासन जैसे कलेक्टर, IAS, IPS, इन सब के बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे SDM वगैरह, इनके बारे में भी। राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग और लोक नीति, तो ये जो जितने भी आयोग हैं उनके अध्यक्ष तो आपको ध्यान रखना है ही। इनके साथ साथ इनका जो अगर कोई संवैधानिक आयोग है तो उसका आर्टिकल याद रख लेना, कार्यकाल याद रख लेना कि कितने कार्यकाल तक वो पद पर रह सकता है ना। तो ये अध्यक्ष और कार्यकाल, इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। इनकी नियुक्ति कैसी होती है, इनको पद से हटाया कैसे जा सकता है, इनकी योग्यताएं क्या होती है, तो ये पॉलिटी वाला पोर्शन है वो आपका इतना सही है, राजस्थान का पॉलिटी, ठीक। नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे, तो राजस्थान में जो सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्रता आंदोलन, जनजागरण और राजनीतिक एकीकरण, ये RS में भी आपका पॉइंट है। तो स्वतंत्रता आंदोलन में किन किन क्रांतिकारियों ने भाग लिया था, कैसे भारत को स्वतंत्रता मिली, और राजस्थान से रिलेटेड टॉपिक्स है ना, वो चीज आपको ध्यान रखना है इसमें। फिर आपका कल्चर स्टार्ट हो जाता है, लोक कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प और स्थापत्य, लोक कलाएं आ गई आपकी, ठीक, चित्रकलाएं हैं वो हो गया, हस्तशिल्प है वो हो गया, और स्थापत्य, दुर्ग वगैरह वो चीज हो गई। नेक्स्ट है मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, इनको भी आपको याद रखना है। राजस्थानी संस्कृति, विरासत और साहित्य, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक। तो ये जो ये पोर्शन है ना, मुझे नहीं लगता पांच, ये जो राजस्थान वाला पोर्शन है ये आपको कवर करना है एक वीक में। क्यों? क्योंकि अगर राजस्थान वाला पोर्शन आपने ढंग से कर लिया ना, तो राजस्थान वाला पोर्शन आपकी जो आगे एग्जाम्स आने वाली है उनमें भी आपको प्रॉफिट देगा, ठीक। तो अभी अपन ने बात कर ली इंडिया और राजस्थान के सिलेबस के बारे में, है ना। तो ये नेक्स्ट है जनरल हिंदी और इंग्लिश, आपको जो हिंदी वाला पोर्शन है उसमें संधि, ठीक, समास, ये चीजें तो आपको पढ़नी है ही है, तो संधि और संधि विच्छेद बताना होगा, मतलब आपको पूछ लिया कि निम्न में से इसमें कौन सी संधि है, विद्यालय में कौन सी संधि है, सदैव में कौन सी संधि है, तो ऐसे पूछ लेता आपसे, या फिर इसका संधि विच्छेद करो, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है चीजों को। फिर आपको ध्यान रखनी है उपसर्ग और प्रत्यय, कि निम्न में से किस शब्द में कौन सा प्रत्यय है या इस प्रत्यय से कौन से शब्द का निर्माण होता है, तो उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित भी आपको चीजें याद रखनी है। और नेक्स्ट है समास, समास की भी आपको रचना करना आना चाहिए और सामासिक पद का विग्रह करना भी आना चाहिए, ठीक है। पूछ लिया निम्न में से इसमें कौन सा समास है या फिर इसके सामासिक पद का विग्रह करो, तो वो सारी चीजें। नेक्स्ट है शब्द युग्मों का अर्थ भेद करो, कि कोई शब्द युग्म दे दिए दो, है ना, जैसे दिन और दीन, तो इनका अर्थ पूछ लिया आपसे कि निम्न इनका अर्थ क्या है, कि दिन का क्या होता है और दीन का क्या होता है, मतलब, तो ये शब्द युग्मों का अर्थ भेद भी आपको आना चाहिए। पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द भी आपको याद करना है। शब्द शुद्धि, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना। वाक्य शुद्धि, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी अशुद्धि होती है उनका शुद्धिकरण करना। वाक्यांश के लिए एक शब्द, पारिभाषिक शब्दावली जैसे होती है ना, पारिभाषिक शब्दावली, उनके बारे में ध्यान रखना। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, तो रटने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, मुहावरे लोकोक्ति आपको रटनी पड़ेगी। वाक्यांश के लिए एक शब्द रटने पड़ेंगे, पारिभाषिक शब्दावली है वो आपको रटनी पड़ेगी।
पर्यायवाची और विलोम शब्द है वो आपको रटने पड़ेंगे। उपसर्ग और इनको आप समझ सकते हो, संधि को आप समझ सकते हो, समाज, अब तो सारी चीज़ें ये रटने वाली हैं, ठीक है। तो इनके कंसेप्ट ना आप कवर कर लेना, और अगर आप टारगेटेड बेसिस पे चलोगे ना तो आपका सिलेबस कवर होगा, वरना सिलेबस बहुत वाइड है और कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये कितने नंबर का पोर्शन था? 44 नंबर का। तो ये ध्यान रखना, 44 नंबर भी बहुत होता है जनरल हिंदी और इंग्लिश, ठीक। इंग्लिश में आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है? कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीज पैसेज, ये सब कर देंगे, सारे इंटेलिजेंट है, कॉम्प्रीहेंशन में देख के वहां से आपको आंसर्स बताना है, ठीक। करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स और करेक्ट यूजेज, इसमें मुझे पता है सारे लोग क्या लगा के आओगे आप, तुक्के, ठीक। तुक्का अगर सही बैठ गया तो ठीक है, नहीं तो जय राम जी। ये सिनोनिम और एंटोनिम, ये रटने की चीज है, और फ्रेजेज और आइडियम और फ्रेजेज है, ये भी आपके रटने की चीज है। तो इन दोनों को रट लो, यहाँ से आपके दो तीन क्वेश्चन फंस जाएंगे, है ना। तो ये रटने वाली चीज है, एक दिन में कर सकते हो आप। तो जो जनरल हिंदी और इंग्लिश है उसको आप 2 या 3 दिन, दो ज्यादा से ज्यादा, और 2 या 3 दिन में कवर करके और रख दो, और बाद में एक दिन दो कि हाँ मुझे इसका इस दिन रिवाइज करना है, या फिर जब भी आप पेपर सोल्व करो तो उस टाइम पे उन चीजों को रिवाइज कर लेना, है ना। अब अपन बात करते हैं जो सबसे ज्यादा बड़ा टॉपिक है, वो मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग का, और बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी। तो जो पटवारी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियस कैंडिडेट है, वो सारे तो आप पढ़ ही रहे होंगे, कि सबको पता होगा कि अगर आप जीके वाला पोर्शन है ना, जैसे इंडिया और राजस्थान वाला पोर्शन, उसमें आप कितनी मेहनत कर लो, आप उसमें 60% से अबव है वो नहीं लेके आ सकते। जैसे राजस्थान वाला, इंडिया वाला पोर्शन है 78 नंबर का, और राजस्थान वाला पोर्शन है वो कितने नंबर का है? 66, इतना ही है ना, सॉरी 60 नंबर का। जो राजस्थान वाला पोर्शन है वो है 60 नंबर का। तो यहाँ आप है ना 45 नंबर से ऊपर नहीं लेके आ सकते, और यहाँ जो पोर्शन है इसमें भी आप 40 से ऊपर, मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स है ना उनकी मैं बात नहीं कर रहा, बाकी जो मैं अपन एवरेज स्टूडेंट है उनकी बात कर रहा हूँ, कि एवरेज जो अपन लोग हैं वो कितने तक लेके चलते हैं। तो इनमें अगर थोड़ा बहुत भी आप कमी बेसी रह जाती है जीके वाले पोर्शन में, परंतु आपको क्या करना, मेंटल एबिलिटी और जो मैथ्स है, रीजनिंग और मैथ है, उसमें क्या क्या आपको कमी नहीं रखनी है। जैसे सीरीज मेकिंग और एनालॉजी, इसको आप कर सकते हो आराम से। फिगर मैट्रिक्स, क्वेश्चंस, क्लासिफिकेशन, इसको भी कर सकते हो। अल्फाबेट टेस्ट है, आपको अगर ABCD याद है पूरी अल्फाबेटिक तो आप ढंग से कर सकते हो। पैसेज एंड कंक्लूजन, कथन निष्कर्ष, वो भी कर सकते हो। ब्लड रिलेशन, वो भी अपने आप को खुद को वहाँ रिप्रेजेंट करके और अपने को सोच के कि हाँ मेरी बुआ है वो मेरे पापा की क्या लगेगी, या उस हिसाब से जो भी है वो ब्लड रिलेशन वाले को भी आप ढंग से कर सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग है, उसको भी आप कर सकते हो। रीजनिंग वाला जो पोर्शन है ना, उस वो क्या मांगता है आपका, प्रैक्टिस मांगता है। अगर आपने प्रैक्टिस करी है ढंग से तो आपको क्या है कि एग्जाम टाइम में वो तरीका है ना वो माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा और आपका क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। वरना क्या होता है कि रीजनिंग में एक क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अगर आपने वो तरीका नहीं अपनाया तो आपका आंसर नहीं आएगा और क्वेश्चन है वो नहीं बैठेगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग वाले पोर्शन की। आप जितने से ज़्यादा क्वेश्चन है उनको सोल्व कर सकते हो ना, उनको सोल्व करो, चाहे आप कहीं से भी बाहर से प्रैक्टिस पेपर ले आओ, प्रैक्टिस उनकी जितनी बार कोशिश करोगे ना निकालने की, उतने ही आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे। नेक्स्ट है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा वाले, सीटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्वायर, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर एंड नंबर, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये आपकी मैथ आ गई यहाँ पे। तो इतने देर तक क्या चल रहे थे, रीजनिंग चल रही थी ये सारी। तो मुझे नहीं लगता रीजनिंग वाले पोर्शन में किसी को भी दिक्कत होगी, जो पटवार की
दिक्कत तो होगी मैथ रीजनिंग में, सबको होगी दिक्कत, सबको होती है मैथ से, तो बहुत का सा डर लगता है ना अपने को। परंतु अगर आपको पटवारी बनना है तो रीजनिंग और मैथ के बिना आप पटवारी नहीं बन सकते। ठीक, तो ये पोर्शन है कितने नंबर का आपका, 90 नंबर का है, तो आप देख लेना 90 नंबर में से आपको कितने लेके आने हैं, 75, तभी आपका बेड़ा लगेगा, नहीं तो आप पता ही है आप सबको। मैथ्स है उसका पोर्शन है बहुत ही छोटा सा है, एवरेज और रेशियो, एरिया एंड वॉल्यूम, परसेंट और परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये प्रॉफिट एंड लॉस और यूनिटरी मेथड, ये सारा मैथ का पोर्शन है, मैथ वाला पोर्शन है, उस पर आप थोड़ा सा फोकस कर लेना। क्यों? क्योंकि रीजनिंग वाला जो पोर्शन है ना, वहां तो अपन कर देंगे कैसे न कैसे करके, जैसे अल्फाबेटिक आ गए वो कर दोगे आप, सिटिंग अरेंजमेंट है, आपने अगर क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ लिया क्वेश्चन को तो वो भी कर दोगे, ब्लड रिलेशन है और आपका सीरीज मैकिंग है, नंबर रैंकिंग है, इनपुट आउटपुट है, डायरेक्शन वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, तो ये सारे रीजनिंग के पोर्शन तो आप कर दोगे। पर मैथ वाला जो पोर्शन है ना, एवरेज, रेशियो, एरिया एंड वॉल्यूम, इस पे थोड़ा फोकस करना। क्यों? क्योंकि पटवारी का काम होता है ना, खेत वगैरह नापता है, तो वो एरिया और वॉल्यूम, उसको अगर ये फॉर्मूले याद नहीं है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये ध्यान रखना, एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक, फिर ये परसेंटेज है वो तो सारे निकाल लोगे आप, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज भी निकाल लोगे, यूनिटरी मेथड भी कर लोगे, प्रॉफिट लॉस लाभ हानि तो सबको पता ही है कि कहाँ मेरा लाभ है और कहाँ मेरी हानि है। ठीक, तो ये मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन है। अब आपका बचता है बेसिक कंप्यूटर, तो बेसिक कंप्यूटर है उसमें आपको कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और रिलेशंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये चीज़ें आपको कंप्यूटर में करनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम से आपके एमएस ऑफिस, उसको भी करना है, उसमें जैसे वर्ड है, एक्सेल है, स्प्रेडशीट है, पावर पॉइंट है, इनके बारे में आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एग्जामिनर आपको ये नहीं बोल रहा कि आप एकदम कंप्यूटर है उसमें व्याख्याता बनो, परंतु आपको कंप्यूटर का क्या होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जो क्यों? वर्तमान समय में जो सारी चीज़ें हो रही है वो कंप्यूटर बेस्ड ही हो रही है, और अगर आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये है आपके 5 पोर्शन, बेसिक कंप्यूटर हो गया। तो अब देख लेते हैं अपन को आपको कितना कितना टाइम है ना इन सबको देना है। जैसे फर्स्ट ये 5 टॉपिक, 5 पार्ट अपन ने डिवाइड किए थे, कि जो 30 दिन आपके पास बचे हैं, पहला वाला पोर्शन इंडिया वाला, ठीक, सेकंड वाला पोर्शन है राजस्थान का अपना, थर्ड वाला पोर्शन है इंग्लिश और हिंदी, और फोर्थ है मैथ और रीजनिंग। ठीक, आपको कंप्यूटर है वो 2 दिन अप्रोक्सीमेट, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 दिन में ये कंप्यूटर वाला पोर्शन करना, टारगेट लेके चलो कि आप 1.5 दिन में कवर करो, 1.5 दिन में नहीं हो पाता तो 2 दिन में कवर करो। क्यों? क्योंकि अपने पास टाइम बचा है वो 30 दिन का टाइम ही बचा है, और 30 दिन में ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, नहीं तो क्या है कि टाइम निकल जाएगा, उसके बाद में सोचोगे काश यार मैं सर बोल रहे थे उस हिसाब से कर लेता तो मैं अभी आज पटवारी होता, है ना, कि गांव में एक आईएएस ऑफिसर है वो जाता है तो बूढ़े बैठे होते हैं गाँव में जो चौपाल लगी होती है ना वहाँ पे, तो पूछते हैं कि क्या हो बेटा, तो बोले आईएएस हूँ, तो यार बेटा थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हो तो पटवारी बन जाते हो, है ना, ये कहावत सुनी होगी, तो ये पटवारी आपका, आप पटवारी बन जाओगे, मेहनत कर लो। फिर आपको जो मैथ वाला पोर्शन है उसमें आराम से आप कितने दिन दे सकते हो, 10 दिन दे दो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कितने दिन हो गए, 10 और 2, 12 दिन, आपके पास टाइम कितना बचा, 18 दिन का समय बचा है अभी। जो आपको इंडियन वाला पोर्शन है उसको 5 दिन में कवर करना है, राजस्थान वाला पोर्शन है उसको भी आपको 5 दिन में कवर करना है, यहाँ आप 2 दिन एक्सटेंड कर सकते हो, यहाँ टोटल मान लो 7 दिन और यहाँ 5 दिन, कितने हो गए, 12 और 12 कितने, 24। ठीक, अब आपके पास बचे हैं 6 दिन,
जनरल हिंदी और इंग्लिश इसको आपको 2 दिन में कवर करना है। ठीक, अब आपके पास कितने दिन बचे? 4 दिन। 4 दिन में आप पूरा एकदम ढंग से तैयारी करो। 3 दिन पढ़ना है और 1 दिन मजे करने हैं। मीन्स 1 दिन आपको एकदम रिलैक्स फील करना है, ऐसे नहीं कि आपको कुछ करना है। 3 दिन में आपको जितनी भी चीज़ है ना, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या फिर कोई पेपर सेट लेके आए हो तो उन पेपर्स को आपको सोल्व करना है। तो क्योंकि जो लास्ट टाइम में अपन चीज़ें करते हैं वो चीज़ें आपको याद रह जाती हैं। तो जो पेपर सोल्व है पेपर सोल्व करो, या फिर आपको कोई चीज़ मैटर मिल जाती, इधर उधर नहीं भागना है आपको, बस राइट डायरेक्शन में चलना है। और जितना टॉपिक आपने कवर कर लिया ना, उसका कम से कम रिवाइज तो करके जाना भाई। लोगों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने जैसे राजस्थान हिस्ट्री है, इन ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, उनको अगर पढ़ लिया तो कम ऐसे मत सोचना कि मेरा ये पोर्शन है वो कर चुका हूँ। आपको वो चीज़ रिवाइज करनी है। मैंने बता ही दिया जनरल साइंस है आपको 10th की जो RBSC की बुक्स है, बुक है सॉरी, साइंस की, उसमें से कवर करना। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी है वो भी 10th की भूगोल है, उसमें से कवर करना है। हिस्ट्री और पॉलिटी है उसके लिए आप कोई प्रीफर बुक है वो प्रीफर कर सकते हो, जैसे किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट और मिडेवल, तीनों हिस्ट्री उसमें फैक्चुअल टाइप में दे रखी है, तो वो आप प्रीफर कर सकते हो। ठीक, पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए आप सिखवाल है वो प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि अभी लक्ष्मीकांत पढ़ने का टाइम नहीं है तो सिखवाल इनफ है। ठीक, ऐसे ही ज्योग्राफी आपको कवर करनी है तो ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना होगा कि एक दक्ष नाम से एक एटलस आती है राजस्थान में, उसको आपको प्रिपेयर करना है और एटलस से वो चीज़ पढ़नी है। मैपिंग के द्वारा राजस्थान की ज्योग्राफी है वो कवर करनी है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लिए आप मानचित्रावली ले आओ सिखवाल की, वो सफिशियंट है, या फिर सबके पास लक्ष्य तो होगी और नोट्स बना रखे होंगे वो कर लो। कल्चर है, कल्चर भी हो जाएगा। पॉलिटी, पॉलिटी सिखवाल बताई दी। जनरल हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको एक हिंदी व्याकरण की पुस्तक आती है, सोहनदान चारण की। ठीक है, वो अपने हिंदी ग्रामर की पुस्तक आती है, ये स्कूल वगैरह में चलती है उनमें, तो वो बुक ले आना। राजस्थान RBSC की है, हिंदी व्याकरण की, नवीन हिंदी व्याकरण है, सोहनदान चारण नाम से राइटर का नाम है। ठीक, फिर बचता आपका जो पोर्शन है कौन सा? रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग और मैथ है, इसकी सबके पास बुक होगी। ठीक, तो आपको भी इनमें से जो जितने टॉपिक है, टॉपिक वाइज चीज़ें हैं ना, वो क्लियर करनी है। अगर आपको आता है तो उसको थोड़ा कम टाइम दो, अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हो, पर 10 दिन से ज़्यादा आपको देना नहीं है। ठीक है, किसे? मैथ और रीजनिंग को। फिर बचता आपके कंप्यूटर, तो कंप्यूटर है वो आपका जो अभी कॉन्स्टेबल वाला पेपर हुआ था ना, तो उन 6 पेपर को आप क्या करो, सोल्व कर लो, और उनसे रिलेटेड जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस है ना, उनको तो आपको करके जाना ही है। क्यों? आपको जितने 15 क्वेश्चन है ना कंप्यूटर के, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 10 क्वेश्चन तो आपको वहाँ रिपीट मिल जाएंगे। तो अगर जो 6 पेपर हुए हैं, 6 पेपरों में से आपको 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, तो क्यों पढ़ रहे हो फालतू में? ये 10 क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे तो, और वहां से कर लेना है ना। नहीं तो एक RSCIT की पुस्तक आती है कंप्यूटर की, उसमें ये देख लेना टॉपिक सारे और उसके हिसाब से आप कवर कर लेना। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, वहां आपका जवाब दे दूंगा। थैंक यू। अगर आज का सेशन बढ़िया लगा है तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अपने चैनल को, और बेल आइकन है उसको प्रेस करो जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।